नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं तंबाकू की लत को छुड़ाने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि जो लोग तंबाकू टोबैको खाने लगते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अम्ल लगने लगता है और वो जल्दी तंबाकू खाने की आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कभी कभार हमने देखा है कि इधर उधर की कुछ दवाइयाँ लोग लाते हैं, खाते रहते हैं, जिससे वो परमानेंट क्योर नहीं होते हैं। तंबाकू खाने की आदत को छोड़ना सब कोई चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा अंदर से डिज़ायर बन जाता है। तो तंबाकू खाने की आदत को छोड़ने के लिए दोस्तों मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऐसी दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो कि आपके तंबाकू खाने की आदत को धीरे 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 करके कम कर देता है और कुछ दिनों के बाद आपकी आदत छूट जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1-2 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि चीज़ें छूट जाती हैं तो आप लोगों को दवा का कैसे प्रयोग करना है, दवा का नाम क्या, सारी चीज़ें आपका छूट जाता है। तो दो ऐसी दवाइयों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, हम तंबाकू खाने की लत को कैसे छुड़ा सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तंबाकू खाने की लत को छुड़ाने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसी दवाइयों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहली दवा का नाम है दोस्तों कलेडियम, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और दूसरी दवा का नाम है टेबेकम। 30 पाउंड में दोनों दवाइयों को लेना है, ठीक है। ये दोनों दवाइयाँ होम्योपैथिक दवा हैं और होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाती है। चलिए दोस्तों, इन दवाइयों का प्रयोग कैसे करना है, दोस्तों दवाइयों का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर मेरे वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मैं जब अच्छे अच्छे वीडियो जब अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, कलेडियम 30 पावर में दवा को लेना है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे दवा का नाम लेके जाते हैं और दवा आपको आराम से मिल जाती है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक क्लिनिक है तो वहाँ पे भी ये दवा आराम से मिल सकता है। दोस्तों 30 पावर में मेडिसिन को लाना है और इस मेडिसिन को दोस्तों क्या करना है, 5-5 बूंद इस कैलेडियम को, जो कि तंबाकू खाने की इच्छा को कम करती है, धीरे धीरे कम करता है दोस्तों और धीरे धीरे करके फिर छूट जाता है, ठीक है। 5 बूंद इस दवा को सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल करके पीना होता है दोस्तों, और दवा बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरी दवा टेबेकम 30 पावर में लेना है दोस्तों, ये दवा भी धीरे धीरे करके तंबाकू खाने की इच्छा को कम करती है और धीरे धीरे करके आपकी आदत छूट जाती है। तो इस दवा को भी दोस्तों 30 पावर में लेना है और ये दवा भी आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाता है, या होम्योपैथिक क्लिनिक आसपास में है तो वहाँ भी ये दवा मिल सकती है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको दोनों दवाइयाँ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले आना है, और दोनों दवाइयों को 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल करके लेना होता है। दवा बहुत तेज़ काम करती है और बहुत अच्छे से आप सही हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं बताया है, दवाइयों के बारे में हो गया, दवा को कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में हो गया। दवा दोस्तों आप लोग पूछते हैं किस कंपनी का लेना है, डॉक्टर एक बार WSI या SBL कंपनी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और सील पैक दवा लीजिएगा, 30 ml की आपको दवा सील पैक मिल जाती है किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। तो दोस्तों बताए गए मेडिसिन को बताए गए डोज के अनुसार यूज कीजिएगा, दवा बहुत अच्छे से काम करती है। और एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा कि जब आप दवा खाने लगें तो खुद से भी एफर्ट आपको करना है कि चीजें आपको भी कुछ एफर्ट करके छोड़ना है। ये नहीं कि आप दवा खा रहे हो तो ये सोचो कि अब तो दवा खा ही रहे हैं और बाद में छूट जाएगा अपने से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा। आप जब दवा खा रहे हैं, दवा खाने के साथ साथ आपको भी खुद सोचना पड़ेगा जब हम दवा खा रहे हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ों को छोड़ें। तो जब आप भी चाहोगे और धीरे धीरे खाना कम करोगे, दवा भी एफर्ट करेगी और धीरे धीरे करके आपकी आदत छूट जाएगी। तो दोस्तों बताए गए मेडिसिन को बताए गए डोज के अनुसार यूज़ कीजिएगा, दवा बहुत अच्छे से काम करती है और आपकी तंबाकू खाने की आदत लत बहुत जल्द छूट जाता है। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप किसी प्रकार के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी डिजीज़ का होम्योपैथिक वीडियो देखना चाहते हैं या हमसे अपलोड करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं हमसे या कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा, जिस वीडियोज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस वीडियो को अपलोड कराना चाहते हैं, मैं उस वीडियो को दोस्तों अगले दिन
4 से 5 बजे के बीच में अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो अगले मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैले, पॉलीथिन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बना रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।